अगर सिर्फ आत्मिक बातें परमेश्वर ने करनी होती तो वो लोगों को चंगा नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? कि मन फिराओगे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जाओ और लंगड़ों को जलाओ और मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो। आप कई बार देखेंगे कि कई अच्छे पास्टर्स भी हैं इंटरनेट के ऊपर जो चमत्कारों का विरोध करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वरदान पा लेता है चमत्कार का, हीलिंग का, और वो बिगड़ जाता है, उसकी लाइफ से हीलिंग और चमत्कार होने बंद नहीं होते, लेकिन उसका जब करैक्टर बिगड़ जाता है, वो बुरी बुरी बातें चर्च में करता है, अनॉइंटिंग को बेचना शुरू करता है, तो वो उन चीज़ों से जज करने लगते हैं कि चमत्कार बुरे होते हैं, जबकि चमत्कार बुरे नहीं होते। अगर चमत्कार बुरे होते, हीलिंग्स बुरी होती, तो प्रभु यीशु मसीह कभी अपने चेलों को हीलिंग करने की पावर नहीं देते। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ और उनके बीमारों को चंगा करो, जाओ और उनके कोढ़ियों को जिलाओ। परमेश्वर ने कहा और उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। तो जब परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे, तो परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह दिखाने की, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस की पावर मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो अगर ये जरूरी नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी देते नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक पास्टर बिगड़ जाता है, उसने एक समय में परमेश्वर का मसा लिया, लेकिन बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिगड़ गया, लेकिन अब मसा परमेश्वर ने छीना नहीं है, शैतान पर गिरा दिया गया धरती के ऊपर, लेकिन शैतान से मसा नहीं छीना गया। आज भी अनॉइंटिंग शैतान के पास है, इसलिए जब आप कोई शैतानी सॉन्ग लगाते हैं आपको मसा फील होता है, अनॉइंटिंग फील होती है। जब आप परमेश्वर का सॉन्ग सुनते हैं तब भी आपको मसा फील होता है, लेकिन वो मसा शैतानी है और ये मसा परमेश्वर का है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने शैतान से मसे को वापस नहीं लिया। उसी तरह से जब एक पास्टर बिगड़ जाता है तो परमेश्वर अपने वरदानों को उससे वापस नहीं लेता, लेकिन उसे अंत के दिनों के लिए, वो नरक के लिए तैयार करता है, और उसकी सारी मेहनत जो उसने धरती पे की है उसे एक दिन वो मिट्टी कर देता है। मैंने इसे देखा है, और उसे बहुत से श्रापों का, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो तकलीफें जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती और जो ग्रो करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से उसकी लाइफ में एंटर की होती। तो जब भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो जस्ट एक किसी हीलिंग मिनिस्ट्री को देखते हैं और उस पास्टर के करैक्टर को देखते हैं और उसके बाद इंटरनेट पे प्रचार करना शुरू कर देते हैं चमत्कारिक, ये पास्टर से बचे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीसस ने हमें फुल गॉस्पल देने के लिए कहा है। आज कैसी गॉस्पल प्रचार हो रही है कि गॉस्पल तो सिर तो है लेकिन हाथ और पाँव नहीं है। जिस तरह एक आदमी होता है ना, उसका सिर धड़ है लेकिन हाथ पाँव कट गए हैं, तो ऐसी गॉस्पल का प्रचार किया जा रहा है। कई हीलिंग का प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनको सुसमाचार के बारे में, सालवेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो लोगों को बोलते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं, पास्टर जी जब हम हमारी चर्च में लोग आते हैं हील हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा उनको देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए लोग हीलिंग लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा वर्ड होना चाहिए जो उनके फेथ को बिल्ड करे, जो उन्हें बताए कि आत्मिक रीति में वो कहाँ खड़े हैं और परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है। लोग जो बाइबल में पढ़ा, बाइबल में लिखा है, वो तो घर बैठ के भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको आत्मिक रीति के साथ और भेदों के साथ और वचन आत्मा से भी डायरेक्ट लेके और उस पोजीशन को समझ के जो आत्मिक रूप में आपकी है, उस तरह से प्रीच करना जरूरी है ताकि लोग विश्वास पे खड़े रहें। अगर आपके पास हीलिंग के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है तो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा खामरा में हीलिंग होती, सबको पता है, लंगड़े चलते, अंधे देखते, सबको पता है, कैंसर जा रहे, सबको पता है, लेकिन वहां प्रीच होता है ये भी सबको पता है, वो विश्वास पे खड़े हैं ये भी सबको पता है। अगर कोई चंगा नहीं हुआ तो भी वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको वचन दिया गया है कि एक ना एक दिन इस रीति के साथ परमेश्वर तेरा काम करेगा। तो आज जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको एक मेगा चर्च, अगर आपको एक बेदारी, या आपको मेगा चर्च का शौक नहीं, अगर आपको बेदारी फैलाने का शौक है, आपको परमेश्वर का काम करने का शौक है, तो आपको फुल गॉस्पल देना पड़ेगा।
आपको हाफ गॉस्पल से नहीं चलेगा। आपने प्रार्थना की और लोग चंगे नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हीलिंग बुरी है और आप हीलिंग का विरोध करना शुरू कर दें। जिनके द्वारा परमेश्वर कर रहा है उनको अप्रिशिएट करें। हालेलुया। तो ये हमें बात समझनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो हमें, उसने फुल गॉस्पल दी है। उसने ये नहीं कहा सिर्फ प्रचार करो, उसने ये भी नहीं कहा सिर्फ चंगा करो, उसने कहा जाओ और लोगों को बताओ कि मन फिराओ, कि अपने माइंड को चेंज करो, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। मन फिराने का मतलब है अलग तरीके से सोचना। जैसे आप जब जाते हैं, आप जैसे हिंदू को बोलते हैं, सिख को बोलते हैं कि आपको परमेश्वर को मानना है, मन फिराइए। क्यों? क्योंकि उनका उनका मन क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं कई लोग कि नहीं हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं जैनी हूं, मैं ये हूं, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जीसस ने कहा मन फिराओ, यानी अलग तरीके से सोचना शुरू करो कि परमेश्वर तो कह रहा है कि मैं किसी नए धर्म को बनाने के लिए तो आया नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म बदलने के लिए नहीं आया हूं। यीशु मसीह ने एक भी बार ईसाई धर्म के बारे में बात नहीं की है, जबकि परमेश्वर के वचन में जिसको कितने लेखकों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा है, कहीं भी ईसाई धर्म का पूरी बाइबल में जिक्र नहीं है। उसमें क्या जिक्र है? कि परमेश्वर तुम्हें जिंदगी देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आजाद करना चाहता है, तुम्हारे खालीपन को भरना चाहता है, तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम्हें संसार के कलेशों से आजाद करना चाहता है, तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता है, यहां का भी वहां का भी। तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। अब तुम्हें अलग तरीके के साथ सोचना होगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं चर्च में बपतिस्मा कैसे लूं, मैंने तो जी एक एक जगह का नाम लिया हुआ है। क्यों मिला नाम आपको? ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। आपने नाम लिया ताकि आप परमेश्वर के पास जा सकें। और जब आपके सामने परमेश्वर साक्षात रूप में खड़ा होता है बाइबल के रूप में कि मैं परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं मार्ग जीवन सच्चाई हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, सब तो वो कह रहा है। तो जो तुमने, जो कुछ तुमने लिया था, अब तुम परमेश्वर के सामने पहुंच गए हो। ये तो वो बात हो गई कि नौवीं पास करने के बाद बंदा बोले कि नहीं जी मुझे टीचर से बहुत प्यार है, मैं दसवीं में नहीं जाना चाहता, मुझे दसवीं में नहीं जाना, मुझे टीचर से बहुत प्यार है। जब आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में मालूम हो गया, जब आप सच्चे परमेश्वर ने अपना आप आप पे जाहिर कर दिया, अब आगे बढ़े। जब आप बपतिस्मा लेते हैं कोई आपको शब्द नहीं देता, मैं आपको शब्द नहीं देता कि यार आप ये दो शब्द बोला करें। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट शब्द देता है, क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम अलग है, मेरी अलग है, आप सबका टारगेट अलग है, प्लान अलग है, मेरा अलग है। तो जो है अलग अलग है, एक ही गोली कैसे किसी पे काम करेगी? तो परमेश्वर हर एक को अलग अलग गोलियां देता है। वो गैर भाषा, वो नाम शब्द जो स्वर्गीय आता है आपके ऊपर, हर एक का अलग अलग है। मेरा अलग है, मेरे बच्चों का अलग है, मेरी वाइफ का अलग है, आपका अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है, इंसान की ओर से नहीं आया। तो जब परमेश्वर की ओर से आया है तो क्यों नहीं हम अपने हाथों को खोलते? क्यों हम मूर्ख बने बैठे हैं? क्यों नहीं हाथों को खोलते और उसको जब भी डाल लेते हम, उसको एम्ब्रेस करें, उसको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि वही परमेश्वर आपके ऊपर अपना आप जाहिर कर रहा है। हालेलुया।